बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सिखाएंगे चिप ज़ीरो करना ज़ेरॉक्स वर्क सेंटर 5755 की। तो देख सकते हैं आप मशीन स्टेटस का बटन दबाएंगे, ठीक है, ये एरर आ रहा है, ठीक है, फ्यूज़र मॉड्यूल R3 रिप्लेसमेंट। इस एरर को कैसे क्लियर करना है बगैर चिप लगाए, ये इसकी परसेंटेज आ रही है, ये 39% है और ये 0% और 0 डेज, ठीक है। सबसे पहले हमने हैश और लॉग आउट का बटन दबाना है, ठीक है, तो यहाँ पर देना है 1934 पासवर्ड, इंटर कर देना। हमने सबसे पहले इसका सीरियल नंबर चेंज करना है, यहाँ से हमने सीरियल नंबर देना है XEL623959, इसे इंटर कर देना है, ठीक है। एक बार मशीन ऑन ऑफ कर लेनी है। मशीन दोबारा ऑन होने के बाद आपने लॉग आउट पर प्रेस करना है, ठीक है, कीबोर्ड पे यहाँ पर लिखना है ADMIN, ठीक है, एडमिन, 4 दफ़ा 1 पासवर्ड देना है इसका, ठीक है, डन कर देना। मशीन स्टेटस में आना है, टूल्स में, जनरल में जाना है, ठीक है, डेट एंड टाइम में, डेट में जाना है। यहाँ पर आपने पहले बॉक्स में 12, 17, 17, ठीक है, 12, 17, 17, ठीक है, रीबूट कर देनी है मशीन। मशीन रीबूट होने से बाद दोबारा से आपने एडमिन ऑन करना है, ठीक है, कीबोर्ड ADMIN, 4 दफ़ा 1 पासवर्ड देना है इसका, एडमिन ऑन हो जाएगा। मशीन स्टेटस में जाना है, ठीक है, टूल्स में, कंज्यूमर मैनेजमेंट में यहाँ से जाना है, वहाँ यहाँ से सर्विस प्लान में, ठीक है, ये प्लान ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, आपने प्लान सी पे क्लिक करना है और यहाँ पर पासवर्ड देना है 3509614, ठीक है, 3509614, इंटर कर देना, क्लोज ऑप्शन शो हो जाएगा, क्लोज करना है, ठीक है। एक बार आपने मशीन ऑन ऑफ कर लेनी है। ये देखें अब कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है, 0% 0 डेज, ऐसे आपकी चिपें लाइफ टाइम हो जाएंगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शुक्रिया।